नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार के दौरान 5 ऐसे मंत्री हैं जिनकी छुट्टी तय मानी जा रही है। साथ ही पिछले 1.5 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर 3 लगभग ऐसे मंत्री हैं जिनको प्रमोशन मिल सकता है, जिनका आगे उन्हें इनाम मिल सकता है। इसी के साथ ध्यान रखने की बात ये भी है कि कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो बसपा से कांग्रेस में आए हैं और साथ ही कुछ निर्दलीय विधायक हैं जिनका राज्यसभा चुनाव के दौरान बहुत ही अच्छा रोल रहा है, तो उनको भी सरकार इनाम दे सकती है। अब आगे क्या होना है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चाएं पूरी गर्मा चुकी हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार को लेकर कयास तेज, जुलाई माह में फेरबदल संभव, कांग्रेस से 7 विधायकों को मिल सकता है मौका, कांग्रेस से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, परसराम मोरदिया, रीटा चौधरी, महेंद्र चौधरी बन सकते हैं मंत्री, मदन प्रजापत, मेवाराम गुरमीत कुन्नर का भी नाम चर्चाओं में, राजेंद्र गुड़ा, लाखन मीणा के नामों पर भी हो रही चर्चा, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा और बाबूलाल नागर की भी लग सकती है लॉटरी। राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में तो ये भी चर्चाएं हैं कि राजस्थान में एक और नया उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिससे कि पायलट की पावर को कुछ कम किया जा सके।